किलोमीटर का रास्ता, यहाँ पे एट ए टाइम एक ही गाड़ी क्रॉस कर सकती है, इतना कम स्पेस है। यह गोविंद घाट गुरुद्वारे से निकल रहे हैं और जा रहे हैं गोविंद धाम गुरुद्वारा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर राइट साइड में खाई है। हम पहुंच गए हैं गोविंद धाम एंड अब जा रहे हैं नीचे गुरुद्वारा साहब। यहाँ पे कार ने और अब नीचे जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। सारी संगत है, सब गुरुद्वारे जा रही है। अब ये गुरुद्वारा साहब, बाजू से नदी जा रही है, ये ब्रिज है, यहाँ से कल चढ़ाई चालू करेंगे ऊपर। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारा पहला दिन चढ़ाई का। हम अभी है गोविंद घाट गुरुद्वारे से निकल रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं गोविंद धाम गुरुद्वारा, और ऐसा कुछ नज़ारा है। ये है खच्चर, इस पे भी लोग सवार होके ऊपर जाते हैं, काफ़ी सारे मीन से ऊपर जाने के। एक ये है, एक पीठ पे बिठा के लेके जाते हैं, कितने बंदे हैं, एक पीठ पे बिठा के लेके जाते हैं, एक ये खच्चर है और एक और तीसरा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से भी लेके जाते हैं ऊपर। अभी हेलीकॉप्टर आएगा तो मैं दिखाऊंगा। भाई नज़ारा यार, मज़ा आ गया। ये देखो और ऊपर देखो व्यू, पानी निकल रहा है चारों तरफ, पहाड़, वाह। ये रास्ता ऊपर जाने का, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। बाजू से नदी जा रही है और ये हम जा रहे हैं। वाह जी वाह, साथ वाले मेरे पीछे रह गए। हाँ भाई, तो नीचे से ऊपर यहाँ तक आने के लिए सुमो मिलती है जो 50-50 रुपए लेती है और ऊपर आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे लाके छोड़ देगी। यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना नाम लिखा के ऊपर जाना है। जितना कम से कम सामान हो सके वो लेके आओ। मैं सनग्लासेस लेके आना, बिकॉज़ ऊपर बर्फ़ में सनग्लासेस की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, बहुत रिफ्लेक्शन आता है। और साथ में एक सोटी पानी रख लेना, बाकी तो ऊपर वाला है एनर्जी देने के लिए। भाई हालत ख़राब हो गई है, अभी आधे भी नहीं पहुँचे हम, बट बहुत ज़्यादा थक गए। हमारे साथी आते हुए, हाँ भाई जवानों थक गए हो, क्या हो गया भाई, रिपोर्ट कैसी है? ओके ओके, द ट्रैक इज ऑन गोइंग। हम चल रहे हैं कंटिन्यू ट्रैक पे, नियर अबाउट हो गए हैं 2 से 2.5 किलोमीटर। अभी 6 से 7 किलोमीटर और है। पहाड़ के 2 से 2.5 किलोमीटर मतलब नॉर्मल रोड के 8 किलोमीटर पकड़ लो। हालत ख़राब है, बहुत सांस चढ़ती है ऊपर चढ़ने में और नीचे उतरने में गोड्डे दुखते हैं, दोनों ही परेशानी है। ये देख लो नज़ारे, वाहे गुरु, वाहे गुरु,
वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। रस्ते में सेवा चलती रहती है। वाहेगुरु वाहेगुरु। हेलीकॉप्टर की सेवा भी होती है यहाँ पे। 3,500 शायद चार्ज है और ये डायरेक्टली छोड़ के आता है ऊपर गोविंद घाट से सीधा। और ये देख लो बीच का नज़ारा, साथ साथ में नदी चल रही है, साथ साथ में रास्ता है। वाहेगुरु। रगड़ा लाया जा रहा पहाड़ा च। आई डोंट नो यहाँ से आपको बर्फ़ वाले पहाड़ दिखेंगे कि नहीं, बट यहाँ से हमें क्लियरली विजिबल है। एक बार जूम करके देखता हूँ मैं अगर दिखते हैं तो। वो देखो सामने वो रहे बर्फ़ से ढके हुए हैं पहाड़। अभी वहीं पे जाना है बट कल पहुँचेंगे हम वहाँ पे। आज हमारा स्टे है गोविंद धाम में। गोविंद धाम जो है वो बीच में पड़ता है, वो पहाड़ और ये पहाड़ के बीच में है। आज रात को स्टे हम गोविंद धाम में करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे हेमकुंड साहिब की तरफ। देख लो और ये साथ में नदी, पूरी मालिश हो रही है सबकी। ये देखो जी ये ब्रिज, ये मेडिकल कैंप एक आता है। मेडिकल कैंप से आप आगे निकलोगे तो ये ब्रिज मिलेगा जो नदी के ऊपर से जाता है। इतनी हवा चल रही है। वहाँ देखो जी आप बस पहुँचन लगे हैं गोविंद धाम। मेरा अबाउट टू रीच। हाँ सेवा चल रही है ग्लूकोज दी। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। ग्लूकोज खाओ। हाँ देखो पहाड़ के आजू बाजू बादल है पूरे। वहाँ बारिश गिर रही होगी। रास्ते में ऊपर जाते समय कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। देखो ये बर्फ रुकी हुई है, आई मीन पानी रुका हुआ है, बर्फ बन गया। ऊपर पूरा बर्फ बना हुआ है। आ गए जी हम हेलीपैड। यहाँ पे हेलीपैड और नज़ारा देखो सामने पर्वत देखो। सामने ये नदी है बट वो जमी हुई है, बह नहीं रही वो।
गुड मॉर्निंग जी। और आज दिन दूसरा डे टू है और आज हम निकल रहे हैं ऊपर श्री हेमकुंड साहब गुरुद्वारे की तरफ। अभी सबने चाय और बिस्किट खा लिए गरम गरम सुबह सुबह, और अब हम जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए। मत्था टेकेंगे और फिर निकल चलेंगे श्री हेमकुंड साहब। सो आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा कैसा है, सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहो। तो हम जा रहे हैं ऊपर श्री हेमकुंड साहब की तरफ, मत्था टेक लिया हमने और अब दिखाते हैं आपको रास्ता। आज अच्छी चढ़ाई 6 किलोमीटर जाना 6 किलोमीटर आना सेम डे, क्योंकि ऊपर ज़्यादा देर रुकने नहीं देते। लास्ट टू लास्ट 1 बजे तक वहाँ रुकने देते हैं, उसके पहले फिर आपको वहाँ से निकलना है और यहाँ नीचे वापस आना। सो लेट्स स्टार्ट। वाहेगुरु। ये है ग्लेशियर, यहाँ से स्टार्ट है, ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ से पानी आ रहा है और वहाँ नीचे से फ्लो हो रहा है, ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। अभी हम वहाँ से आ रहे हैं और अभी हमें जाना है वहाँ। सो जी, काफ़ी कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हम आ चुके हैं ऊपर, जहाँ से स्टार्ट होता है ग्लेशियर। और जो आपको मैं नज़ारे दिखाऊंगा वो पता नहीं कैमरा जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं, बट आंखों से देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये लो जी, ये ग्लेशियर, यहाँ से होती है स्टार्ट बर्फ और ऊपर है गुरुद्वारा साहब। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से पैदल, 3 किलोमीटर है, धीरे धीरे जाएंगे। तो वाहेगुरु। कितने बंदे हैं साथ आप लोग? कितने बंदे आप? बारिश हो सकती है सवेर से, तो रही हूँ बाद हूँ कुछ तुर के तो कल तुरे लगे एक दो। आइए
सरोवर जी वाहेगुरु। ये सरोवर सरोवर और ये गुरुद्वारा गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के यहाँ पे सरोवर में स्नान डुबकियाँ। देखो बर्फ जमी हुई है स्नो सरोवर के ऊपर, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा। वाहेगुरु में चाय और खिचड़ी मिलती है, आओ बढ़िया सको। और अब देखो पूरी खाई चारों तरफ बर्फ और हम नीचे जा रहे हैं, साथ में पानी बहता हुआ बर्फ का। वाह वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो अब ग्लेशियर का एंड हो चुका है, अब इसके बाद से नॉर्मल रोड है और ये है बर्फ ग्लेशियर की। हाँ 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 चलो सत्सेगा।